सो ही गाइस व्हाट्सअप इट्स अ होस्ट टेक्निकल डॉग्स। अगर आज की वीडियो में यामाहा जेनस 125 के बारे में बात करने वाले हैं, इंडिया में कब तक आएगी, प्राइस वगैरह क्या होने वाली है, तो चलो गाइस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। आप तब तक स्कूटी के थोड़े से शॉर्ट्स देख लो वीडियो में। I see her rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back, wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. ओके गाइस, सो अगर सबसे पहले स्टार्ट करें लिमिटेड एडिशन से क्या मतलब होने वाला है इसका। अगर इससे एक दिन पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी हो तो उसमें मैंने आपको यामाहा जेनस 125 का जो स्टैंडर्ड एडिशन है उसके बारे में बताया था। अब बात कर लेते हैं लिमिटेड एडिशन की। इसमें आपको 125 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ आपको BSX का इंजन देखने को मिल जाएगा। 4 स्ट्रोक का साथ सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। साथ ही साथ सीट हाइट 770 mm की देखने को मिलेगी। और अगर गाइस बात करें इसका लिमिटेड एडिशन में होने क्या है, तो डेफिनेटली देख सकते हो ब्लैक और रेड का जो कलर स्कीम है बहुत ही अमेजिंग लग रही है। और हो सकता है यामाहा स्टार्टिंग में टेस्टिंग के लिए इसको इंडिया में लिमिटेड एडिशन बना के लाए, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। उसमें क्या होगा, स्पेशल फीचर्स होंगे, स्पेशल कलर होंगे, लेकिन लिमिटेड स्टॉक्स होंगे, बहुत ही कम स्कूटीज होंगी। तो अगर जो पहले लेगा उसको मिल जाएगी, बाकी आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है। तो यामाहा इसको टेस्ट कर सकता है कि इंडिया में कैसे आती है, ये कैसा रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद इसको फुल फ्लैश जो नॉर्मल एडिशन है वो निकाल सकती है सिंगल जो अलग अलग कलर वेरियंट्स है उसमें। इसी के साथ साथ गाइस बात कर ले तो आपको आप पीछे की तरफ डुअल स्प्रिंग वाले सस्पेंशन मिलते हैं और सामने की तरफ टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन मिलते हैं। फिर डिस्क ब्रेक्स आगे मिलते हैं और पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। अलॉय व्हील्स आगे पीछे दोनों साइड है आपके। और माइलेज की बात करें इसकी, तो यामाहा क्लेम करेगी इसका 65 km/L का माइलेज, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपका डिफरेंस हो जाता है जो भी आप जिस हिसाब से चलाते हो उस हिसाब से। यामाहा का आप देख सकते हो इंजन देखने को मिल जाता है। और गाइस जो इसका एडवांस वेरियंट होगा उसमें डुअल सस्पेंशन होंगे पीछे स्प्रिंग वाले, और नॉर्मल वाले में सिंगल सस्पेंशन जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। और गाइस इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो 90 km/h की इसकी टॉप स्पीड होने वाली जो कि यामाहा क्लेम करेगा। साथ ही साथ अंडर सीट स्टोरेज वगैरह भी इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है आपको। इसी के साथ साथ गाइस प्राइस की बात करें, उससे पहले बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की। तो सेमी डिजिटल मिल जाएगा आपको, ओडोमीटर वगैरह जो है वो डिजिटल मिल जाएगा, बाकी स्पीडोमीटर एनालॉग मिल जाएगा। स्विचेस वगैरह देख सकते हो। प्राइस जो होने वाली है 95,000 rupees होने वाली है। और लॉन्च डेट की बात करें, मई 2022 से जुलाई 2022 के, यानी कि अभी 4-5 महीने बाद डेफिनेटली ये लॉन्च होने वाली है। वो लॉन्च होते ही मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा इसमें, उसमें आपको और डिटेल्स बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गाइस अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और बाय गाइस इसी तरह से वीडियो देखते रहना।